विद्युत धारा वाले चैप्टर में एक करेक्शन दिमाग में आ रहा है कि हमने पढ़ा था प्रतिरोध व उसकी निर्भरता, तो उसमें हमने पढ़ा था चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के या अनुप्रस्थ काट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती के लिए हमने ग्राफ पढ़ा था आर और एल के मध्य सीधी रेखा, ये तो ठीक है, लेकिन एक हमने पढ़ा था आर और एक के बीच में ग्राफ। मैंने अपनी स्टडी के दौरान आर और एम में ये ग्राफ पढ़ा था, जब भी कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटीज तो उनके बीच में ग्राफ कैसा आता है, घटता हुआ ग्राफ आता है, इस प्रकार का पढ़ा था। व्युत्क्रमानुपाती के लिए घटता हुआ ग्राफ आता है, लेकिन यहाँ पर अपनी बुक में क्या दे रखा है, इसका ग्राफ इधर आर ले लेंगे, इधर ए ले लेंगे, तो आर और ए में ग्राफ इसी प्रकार से घटाना है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग सीधी रेखा में। तो इस प्रकार का अपने को नहीं करना है, एग्जाम में यदि आता है आर और एक के मध्य ग्राफ खींचो तो इस प्रकार का ही करना है आर और एल के मध्य, तो ये सही है ही, केवल इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अपने बुक में ये दिया हुआ है और ये किस प्रकार दिया हुआ है थोड़ा अभी इस पर विचार करना बाकी है। तो ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से चालक का प्रतिरोध लंबाई के समान अनुपात में बढ़ता है उसी प्रकार से चालक का प्रतिरोध मोटाई के समान अनुपात में ही घटता है। तो अपने को ग्राफ ये वाला करना है आर और ए के मध्य ग्राफ, और आर और एक बटा के मध्य ग्राफ वो तो सीधा ही होगा मूल बिंदु से गुजरता हुआ, तो ये ग्राफ अपने को ध्यान रखना है, ये भी मूल बिंदु से गुजरता हुआ है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में चार ग्राफ हैं, जिसमें से केवल एक ही घटता हुआ क्रम में है, बाकी तीनों मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा है। एक और है आर और वी और आई में ग्राफ, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो ये ग्राफ एक कैसा था, ओम के नियम वाला, ए बी मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, और इसका ढाल क्या मिलेगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा V, आधार आई, जो किसके बराबर होता है आर के बराबर, प्रतिरोध के बराबर। तो ये करेक्शन बताना था, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लेना।